दोस्तों आज हम स्पिकमैन की रिमलैंड थ्योरी के बारे में जानेंगे। ये थ्योरी मैकेंडर की हार्टलैंड थ्योरी से इंस्पायर्ड है, उसी का एक एवोल्यूशन है। तो अगर आपने हार्टलैंड थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देख लीजिए, उससे आपको रिमलैंड थ्योरी को भी समझने में आसानी होगी। हमने देखा कि मैकेंडर अपनी हार्टलैंड थ्योरी में ईस्टर्न यूरोप को कंट्रोल करने की बात करते हैं, हार्टलैंड को कंट्रोल करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो पावर हार्टलैंड को कंट्रोल करेगी वो वर्ल्ड आइलैंड को कंट्रोल करेगी, और जो पावर वर्ल्ड आइलैंड को कंट्रोल करेगी वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करेगी। स्पिकमैन मैकेंडर की इस थ्योरी को डिनाई करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। स्पिकमैन हार्टलैंड को इनर कोर कहते हैं, हार्टलैंड एरिया को इनर कोर शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके अकॉर्डिंग ये इनर कोर का एरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैकेंडर इसको बताते हैं। इस इनर कोर के रीजन के साथ कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इस एरिया में क्लाइमेट बहुत ही हार्श और एक्सट्रीम है, ज्योग्राफिकल डिफ़िकल्टीज हैं, इस एरिया में रिसोर्सेज भी काफ़ी कम हैं और ह्यूमन पॉपुलेशन भी बहुत ही कम है। स्पिकमैन ने मैकेंडर के नेचुरल बैरियर वाले क्लेम को भी डिनाई किया है। उन्होंने कहा कि नेचुरल बैरियर्स इनर कोर को सराउंड नहीं करते, बहुत सारे एक्सेस पॉइंट्स हैं जैसे रिवर वैलीज है, लो माउंटेन्स है, और भी कई सारे गेटवेज हैं जहाँ से कोई पावर इनर कोर में इंटर कर सकती है और उसको इन्वेड कर सकती है। इसके अलावा इस रीजन में जो लोग रहते हैं वो ट्राइबल किस्म के लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव सिविलाइजेशन है, और इनको ना तो जियोपॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता है और ना उससे कोई मतलब है। स्पिकमैन ने इस हार्टलैंड थ्योरी का एक अल्टरनेटिव प्रेजेंट किया जिसको उन्होंने रिमलैंड थ्योरी का नाम दिया। इसमें उन्होंने इस रिमलैंड एरिया को इम्पॉर्टेंट बताया जो कि हार्टलैंड को सराउंड करता है। ये रिमलैंड वाटर से पूरी तरह से कनेक्टेड है, और पास्ट में जितने भी मेजर सी पावर्स रही हैं वो इसी एरिया में रही हैं, इसी एरिया से निकल कर आई हैं। इस एरिया में ऑयल और ऐसे ही कई सारे दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। रिमलैंड को कंट्रोल करके कोई भी पावर बड़ी आसानी से इनर कोर को भी कंट्रोल कर सकती है, यूरेशिया को भी कंट्रोल कर सकती है। स्पिकमैन ने कहा, हु कंट्रोल्स द रिमलैंड रूल्स यूरेशिया, हु रूल्स यूरेशिया कंट्रोल्स द वर्ल्ड। यानी जो रिमलैंड को कंट्रोल करेगा वो यूरेशिया को कंट्रोल करेगा, और जो यूरेशिया कंट्रोल करेगा वो पूरे वर्ल्ड को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर पाएगा। कोल्ड वॉर के समय यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर नेटो का फॉर्मेशन किया। जिस तरह रिमलैंड को कंट्रोल करके कोई भी पावर इनर कोर को कंटेन कर सकती है, उसी तरह नेटो ने रिमलैंड एरिया को कंट्रोल करके सोवियत यूनियन को कंटेन करने की कोशिश की। निकोलस जॉन स्पिकमैन एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। स्पिकमैन जियोपॉलिटिक्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते थे। उनके अनुसार ज्योग्राफी किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी का फंडामेंटल फैक्टर होता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ज्योग्राफी परमानेंट होती है, किसी भी कंट्री का ज्योग्राफिकल लोकेशन परमानेंट होता है, कोई भी कंट्री अपनी ज्योग्राफी को स्केप नहीं कर सकती, चाहे वो कंट्री कितने भी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल हो। यूएसए एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, इतना पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल होने के बाद भी अगर वो सोचे कि नॉर्थ अमेरिका बहुत ही बोरिंग है, कहीं और चलते हैं, अगर वो सोचे कि यूरोप में शिफ्ट कर जाते हैं या अफ्रीका या एशिया में शिफ्ट कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकता। राइट फ्रेंड्स, तो ये थी स्पिकमैन की रिमलैंड थ्योरी जो कि उन्होंने मैकेंडर की हार्टलैंड थ्योरी के एक अल्टरनेटिव के रूप में प्रेजेंट किया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।